दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं अनबॉक्स करूंगा एक बहुत ही कमाल के बल्ब को। यह बल्ब पावर बैंक का बल्ब है। जैसे आपके घर में लाइट कट जाती है तो यह बल्ब बहुत ही काम आने वाला है आपके। तो चलिए इसे हम डब्बे से बाहर निकालते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल के अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं। अब तो ये देख सकते हैं पैकेट में दो बल्ब हमें मिलेगा। इसे अब हम पैकेट से बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए दो बल्ब। दोस्तों आप देखिए इस बल्ब को, कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये बल्ब है। आप देख सकते हैं इसके डिजाइन को, और यहां पर इसका टांगने वाला दिया गया है। इसके सहारे आप किसी भी जगह इसको टांग सकते हैं, अपने घर में या अगर आपकी कोई दुकान हो तो उसमें टांग सकते हैं इसको। ये आप देखिए। दोस्तों अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी प्लास्टिक से ये बनाया गया है, क्योंकि 300 के अंदर ही आपको ये दोनों मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाए गए हैं ये। इसमें खोल के हम दिखाते हैं कितने बल्ब लगे हैं। खुल जाओ, यहाँ पर आप देखिए इतने बल्ब हैं, आप गिन लीजिए। चलिए अब इसे बंद कर देते हैं, और इसके हम वायर की बात करें तो वायर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, और लगभग 2 मीटर के आसपास का इसका वायर है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक USB वाली पिन है, इसको आप अपने पावर बैंक में लगाएंगे तो इसका बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। इसको आप किसी चार्जर में भी लगा सकते हैं। इसे अब हम पावर बैंक में लगाएंगे। ये देखिए ये देख लीजिए इसकी रोशनी ठीक ठाक ही है। अब मैं बल्ब को बंद कर देता हूँ, जो स्टूडियो का बल्ब है। ये देखिए इतनी तेज़ ये रोशनी करता है। दोस्तों आप इसकी रोशनी देखिए, इसकी रोशनी जो है बहुत ही अच्छी है इसके प्राइस रेंज में। अगर आप इसकी जगह किसी लैंप को लेते हैं तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। उसका बैकअप भी लगभग कितना रहेगा, आधा घंटा रहता है, फिर उसके बाद ऐसा गायब होता है उसकी रोशनी की कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अगर आप गांव के इलाके में रहते हैं तो इस आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये। अगर आपके पास 10,000 mAh का पावर बैंक है तो ये बैकअप लगभग 2 घंटे का आराम से दे देगा आपको। अब चलिए हम दोनों बल्ब को लगाते हैं, फिर दिखाते हैं कि कितनी तेज़ रोशनी करता है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी तेज़ ये रोशनी कर रहा है। मोबाइल में तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल का जो होता है सिस्टम वो कुछ गड़बड़ ही होता है, रोशनी को ठीक से नहीं दिखा पाता है। अभी देखिए अब हम इसके लॉक करके इसके देखिए, ये देखिए कितनी तेज़ हो गई, क्योंकि इसका एक्सपोजर जो होता है वो समझ नहीं पाता इसको अच्छी तरीके से। लेकिन इसकी रोशनी जो है बहुत ही अच्छी। अगर आपके पास कोई दुकान है या कुछ भी है ऐसा चीज़ जिसमें आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ती है तो इस बल्ब को आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप इस बल्ब को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसे लगभग 2 से 3 महीने पहले ख़रीदा था, लेकिन ये बल्ब अब भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब लाइट कट जाती है रात को तब ये बल्ब काम आता है, उस दिन पता चलता है कि इस बल्ब की कीमत क्या है। वैसे तो पता नहीं चलता कि पड़ा रहता है कोने में कहीं, लेकिन जिस दिन लाइट कट जाती है उस दिन ये बहुत ही काम आता है। ये लगभग अगर पावर बैंक चार्ज है तो ये लगभग 1.5 या 2 घंटे का बैकअप तो देगा ही। 10,000 mAh का पावर बैंक की बात कर रहे हैं, अगर ये चार्ज होगा 10,000 पावर बैंक पूरा तो ये लगभग 2 घंटे का बैकअप देगा, 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग या किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।